स्निगर भी आया था सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए, तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए तो उसमें ये दोनों मारा गया। तो क्या सिविलियन किलिंग में भी इन्वॉल्व थे? बिल्कुल ये इन्वॉल्व था, इसके खिलाफ 2 FIR भी लॉन्च था और उसका हम लोग जो डिजिटल डिवाइसेस मिला है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और सारे सारे केस खुलेगा उससे। तो कल सर सोपर में भी हमने एक देखा पेट्रोल बम डाला गया बैंकर की तरफ, तो उसके बारे में बताइए क्या? हाँ, उसमें जो बुर्का में जो लेडी है जो पेट्रोल बम थ्रो की है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बहुत जल्दी उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। तो सर बहुत सारे लड़के हमने देखे हैं आजकल यूट्यूब वगैरह में वो मीडिया बन जाते हैं, तो उनके लिए क्या? उसमें जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का चाहे प्रेस काउंसिल इंडिया का गाइडलाइंस है उन लोग को फॉलो करना चाहिए, अगर ये लोग नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। तो सर अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, जो टेररिस्ट ग्राफ है वो डाउन कितना आ रहा है? बिल्कुल हम सब जानते हैं ये ओपन फिगर कि टेररिस्ट का नंबर बहुत कम हुआ, पहली बार हुआ है कि जो 200 के नीचे आ गया था और हम लोग और नीचे लाएंगे इसको। और रिक्रूटमेंट का भी पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करें, कम हो रहा है, जैसा लोग गेस किया था कि बहुत होगा ऐसा कुछ नहीं, पेरेंट्स से आवाम से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट फैमिली मेम्बर खुद पुलिस को जाके इन्फॉर्म करते हैं कि मेरा बेटा एक्टिव हो गया है मिसिंग है, तो फैमिली हम लोग मिलकर बहुत को वापस लाते हैं, बहुत सारे को हम लोग दिखाते हैं मीडिया को, बहुत सारे नहीं शेयर करते हैं और इसमें पुलिस और पब्लिक भी बहुत रश बढ़ा है। तो सर फिर से आप अपील करेंगे? बिल्कुल हरदम हम अपील करते हैं, खास के पेरेंट्स से अपील करते हैं कि पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, उनके माँ बाप जो है बच्चों को गलत दिशा में नहीं जाने दे, वो देखे कि उन किससे इंटरेक्शन करता है, पीयर ग्रुप क्या है, मोबाइल पर क्या देखता है, ये देखना बहुत जरूरी है। नेशनल लड़के जो रेडिकलाइज हो रहा है ज्वाइन करता है ऑनलाइन हो रहा है, इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल है। तो सर सोशल मीडिया का कितना मिसयूज कर रहे हैं पाकिस्तान या टेररिस्ट? बिल्कुल सोशल मीडिया का बहुत मिसयूज हो रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, नंबर बहुत कम परसेंटेज है लेकिन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कार्रवाई भी करना पड़ता है। जैसा देखें तो मैं अपने जर्नलिस्ट भाई को भी ये एडवाइस करता हूँ कि कोई एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, फेक न्यूज नहीं फैलाए, किसी इंस्टिगेट नहीं करें, टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करें, टेररिस्ट को ग्लैमराइज